ए, इसको देख, ये तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। अरे ये कहाँ का हीरो है, ये तो संजय बार में दारू पीता है। यू आर राइट। हाय। ओ कम ऑन। हे कौन हो तुम लोग, बताओ। ओ शिट, मैं जानता हूँ। हाँ तो बताओ ना। ये बताएगा द ग्रेट हीरोइन सुरेखा का पर्सनल पीए एंड बॉयफ्रेंड। आपने इसे थप्पड़ क्यों मारा? पता है मैं कौन हूँ? आप भी उनके कुछ खास हैं क्या? हाँ, आई एम पर्सनल मेकअप मैन। मेकअप मैन, नमस्ते सर। अरे तू भी हाथ मिला ले सर से। मौका अच्छा है, निकल लेना। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए, वेलकम। थैंक यू सर, हमारे प्रोड्यूसर जगन्नाथ जी। हेलो सर, ग्लैड टू मीट यू। और यह है जयलक्ष्मी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये इनका बेटा लक्ष्मी प्रसाद, फेमस क्रिमिनल लॉयर। आपके बारे में काफी सुन रखा है। अपना विजिटिंग कार्ड हमें देंगे तो मैं आपको बहुत केसेस दे सकता हूँ। उसके बिना प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है। सुना है आज तक आप कोई केस नहीं हारे? ऑफ कोर्स, मेरे क्लाइंट्स हमेशा केस जीतते हैं क्योंकि कानून सच्चाई का पक्ष लेता है। क्या बात है सर, आप बाहर भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, कोर्ट में जाकर देखिए, अच्छे अच्छों को पसीना छुड़ा देते हैं। ये महाशय कौन है? मेरे छोटे भाई की दिन रात की मेहनत ही आज हमारे इस बैनर को इतनी बुलंदी पर ले जाने में कामयाब रही है, इसके लिए मुझे गर्व हो रहा है। आज के दिन हमारा बैनर सफलता की गारंटी माना जाता है। हमें कामयाब बनाने में जिस आदमी का हाथ है, उस आदमी को यहाँ पर मैं आप सबके सामने आने के लिए कहता हूँ। क्या बात है, पहली हिट फिल्म को हकीकत में ढाल कर आपके सामने लाने वाले कैमरामैन मिस्टर नेपोलियन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब मैं अपने पैनल के पार्टनर्स को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, जिन्हें आप सब जानते हैं। पार्टनरशिप के बिना ये फिल्म पूरी करना मेरे अपने वश की बात नहीं है। मैं अपने पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर क्षत्रिय जी को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। और अब एक ऐसी हस्ती जिन्हें फिल्मी दुनिया में जब भी दर्शक स्क्रीन पर देखते हैं तो देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वो अब आपके सामने आएंगी, जो हमारी हीरोइन हैं। उनके लिए जोरदार तालियां, अपने दिलों को थाम लीजिए, स्वागत कीजिए बिग स्टार मिस सुरेखा। आपने तो आगे लगा दी, सुपर परफॉर्मेंस। अरे बाय द वे, ये है मेरे करीबी दोस्त मिस्टर लक्ष्मी प्रसाद, फेमस क्रिमिनल लॉयर, बहुत कामयाब है। तुम्हारा दोस्त तो यही बहुत है। दैट इज टीना। हेलो नरेंद्र। क्या सर इतना लेट? एक्सक्यूज मी, क्या सर बहुत लेट कर दिया आपने आने में। अपने कैमरामैन से बहुत सुना है मैंने, इसीलिए मिलने चली आई। लॉयर और पुलिस वालों का काम करने का तरीका एक ही जैसा होता है, इसलिए हमारे अरमान दब कर रह जाते हैं। ओके, सही कह रहे हैं। एक फोटोग्राफ सर, एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा इनके करीब आएंगे? क्या बात है बहन, आप इतनी गौर से देख रही हो। वो दोनों किस बारे में बात कर रहे होंगे? लगता है शायद कोई कोर्ट का मैटर है, लॉयर से एडवाइस ले रही होगी। तुम ऐसा सोचते हो इसलिए आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। सूरत देखो अपनी। टाइम मिला तो डीवीडी लगाकर देख लेता। माँ, शी इज माय मदर। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। माँ जानती है कौन? इसे कौन नहीं जानता बेटा। मुझे तुम्हारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आंटी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी फिल्म जब रिलीज होती है और टिकट नहीं मिलती है तो ये बाजार से पायरेसी सीडी लाकर देखती है। अच्छा, मुझे पता नहीं, और मेरे घर में इतना बड़ा क्राइम हो रहा है। तुम उसकी बातों में कहाँ आ रहे हो? अच्छा ये लड़की, मैं मैडम की पीएम हूँ। ऐसा क्या, इस फंक्शन में तुम्हारे कोई अपने नहीं आए? नहीं आंटी। मगर ऐसा क्यों बेटी? मेरा कोई नहीं है। आई एम सॉरी बेटी। तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा क्यों सोचती हो? आज से ऐसा समझो तुम मेरी ही बेटी हो। ओके, थैंक यू सो मच आंटी। मैम टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। बाय आंटी। बाय। ला 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 ला, प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। ला 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 ला। ठीक से पंचनामा लिखो। यस सर। ए सुनो सर, उस साइड से फोटो लो। ओके सर।
इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। सर बात कीजिए। मशहूर फिल्म निर्माता जगन्नाथ जी की हत्या, पेपर पेपर। अभी अभी खबर मिली है, फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर जगन्नाथ जी की उन्हीं के गेस्ट हाउस में हत्या हो गई है। मैम, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस केस में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को अरेस्ट करके रिमांड में ले लिया है। पुलिस उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने ये हत्या क्यों की। जगन्नाथ जी की कोई भी फिल्में अभी तक ठीक से नहीं चल पाई थी। हाल ही में उनकी एक फिल्म को कामयाबी मिली थी जिसका फंक्शन उन्होंने अपने गेस्ट हाउस में रखा था, लेकिन उसी गेस्ट हाउस में उनकी हत्या हो गई है। उनकी हत्या होने के बाद उनके भाई नरेंद्र राव जी से हमने मिलने की कोशिश की और साथ ही उस फिल्म की मशहूर हीरोइन सुरेखा जी से भी हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हमें नहीं मिल पाए। अभी तक उनके खून की असली वजह नहीं पता चली है। पुलिस से भी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हाय प्रसाद। हाय, सॉरी तुम्हारे यहाँ आने की वजह मैं समझ नहीं पाया। एक्चुअली मैं आपसे खास बात करने यहाँ आई हूँ। श्योर, आइए, कम। सॉरी, बिना फोन किए ही आ गई। कोई बात नहीं, बोलिए। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या उसे पीछा छुड़ाना है, यही ना? किसी भी तरह आपको उसे बचाना ही होगा। ये क्या कह रही है, सडनली ऐसी बात क्यों कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, आदि कैसा इंसान है ये मैं जानती हूँ। वो किसी को मार नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये कैसे कह सकती हो तुम? वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत इनकरेज किया है। सच कहूँ तो मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ वो सिर्फ उसी की बदौलत है। लेकिन पुलिस तो कहती है कि उसे रेड हैंड पकड़ा गया। ऑफ कोर्स, वहाँ पर क्या हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानती, पर आदि निर्दोष है, मुझे विश्वास है। देखो, ऐसा तुम मान सकती हो लेकिन पुलिस वाले नहीं मानेंगे। आप कितने लोगों से मिले होंगे, कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है ये उनकी बातों से समझ जाते होंगे। लेकिन आदि को मैं वर्षों से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ एक बार आदि से मिल लीजिए आप, उसके बाद वो गुनहगार है या बेगुनाह है इसका फैसला कर लीजिएगा। प्लीज एक बार मिल लीजिए उससे। मेरा नाम प्रसाद है, मैं तुम्हारा लॉयर हूँ। मेरा कोई लॉयर नहीं है। सुरेखा ने भेजा है मुझे। वैसे तुमने ये मर्डर क्यों किया? मर्डर मैंने नहीं किया। इससे पहले तुम्हारे ऊपर कोई पुलिस केस हुआ है क्या? नहीं सर। प्लीज मुझे सर कह के मत बुलाओ, प्रसाद बुला सकते हो। ठीक है। तुम्हें बात करने में कोई तकलीफ है? ऐसा कुछ नहीं। आपको ऐसा लग रहा है सर? ये देखो, तुमने फिर से सर कहा। सॉरी प्रसाद। ठीक है, तुमने सच में किसी का खून नहीं किया है। मैं जगन्नाथ जी का खून कर सकता हूँ क्या? वो इंसान मेरे लिए जान से प्यारे थे, और कोई अपनी ही जान लेता है क्या? उनके चले जाने के बाद मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई है। मतलब उन्हें मारने का ख्याल तुम्हारे दिल में कभी नहीं आया? यही का यही सवाल मुझसे एक दो लोगों ने और पूछा था। अच्छा ये बताओ, तुम उस प्रोड्यूसर से मिलने उस दिन क्यों गए थे? मेरी अगली फिल्म के लिए उनके साथ स्टोरी डिस्कशन करने गया था, हॉल में इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उनसे मिलने गया तो उनको खून में लथपथ पाया, वो वहीं जमीन पर पड़े हुए थे। मेरे जाने से पहले कोई उन्हें मारकर जा चुका था। मारकर जा चुका था? कौन हो सकता है वो? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं जानता। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। क्या कहा, नहीं पता? या तुम उस दिन के इंसिडेंट को भूल चुके हो? सॉरी प्रसाद, मुझे कभी कभार ऐसा होता रहता है, जब टेंशन में होता हूँ तो आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। खून से लथपथ उनकी लाश को देखने के बाद
मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ क्या तुम्हें सच में नहीं पता? वो सारी बातें भूल गया, ये तो आश्चर्य की बात है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है और मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुद को ना भूल जाए। मुझे तो लगता है कि वो बहुत चालाक इंसान है। मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसकी आंखों में वो बेगुनाह है ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दी। तुम्हें तो इंसानों की बहुत परख है, फिर भी नहीं पहचान पाए। गुनहगार को सजा दिलाना जितना अहम है उतना ही अहम है उस लड़की से किए वादे को निभाना। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा को फोन करो। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ होगा तब उसका दिमाग फ्यूज स्टेज में चला गया होगा। फ्यूज स्टेज में? हाँ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है ये। ब्रेन में किसी तरह का डिफेक्ट हो या कोई डिजीज हो, इंसान कुछ भी करे वो करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसी लक्षण को फ्यूज स्टेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग नींद में एक जगह से दूसरी जगह बेहोशी की हालत में चलते हैं, लेकिन कैसे और कब वो वहाँ पहुँचे थे ये उन्हें याद नहीं रहता। ऐसे पेशेंट्स होश में आने के बाद सही स्टेज में आ जाते हैं। जब दौरे पड़ते हैं उनके साथ क्या हो रहा है या फिर उन्होंने क्या किया उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इस केस में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, बेशक मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू। क्या बात है यार, इस वक्त मुझे यहाँ ले आए? ए, मैंने कहा था ना, हाँ। वो लड़की कुछ ही देर में अंदर से बाहर आने वाली है। हाँ। उसका नंबर मिल गया तो समझ लो लाइफ सेट हो गई अपनी। भाई बोलो। लगता है ये बहुत पैसे वाली है। होने देना, अगर वो हमें मिल गई तो दोनों 50-50 एडजस्ट कर लेंगे। ये क्या बकवास कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे अभी के अभी चाहिए पैसे लेने के लिए, मैं आया हूँ। गाड़ी क्या है कि मेरी गाड़ी में बैटरी का प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी। यस, मैं एक बार कार के दरवाजे को खोलने के लिए ट्राई करूँ? या श्योर। वाओ, लगता है आपके हाथों में जादू है। अरे हाँ, मेरा दोस्त तो बचपन से ही बहुत होशियार है। ओके। दरअसल मुझे जुबली हिल्स जाना था, लेकिन वो इफ यू डोंट माइंड। हाँ, आप मुझे अपने साथ ले चलना चाहते हैं, राइट? विद प्लेजर। प्लीज। और तुम गाड़ी ठीक होती है मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है, ओके। मेरा ड्राइवर है। ये कैमरा मैं अपने लिए सेट कर रही हूँ, जरूरत पड़े तो बाद में इसे देखकर स्टडी करने के लिए। ओके। कुछ भी बताओ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पिता क्या करते थे या तुम्हारे गांव के बारे में कुछ। मेरे पापा हमारे गांव के एक स्टेज डायरेक्टर थे और ड्रामा करने के लिए वो कहीं भी जाते थे। मैं भी उनके साथ जाता था और उनका ड्रामा देखा करता था। उनकी लिखी हुई कहानी और ड्रामा मुझे बहुत पसंद था। मैं कुछ बन जाऊं उससे पहले ही वो दुनिया छोड़कर चले गए। और अपने पिता की मौत का गम भुलाने के लिए मैं लाइब्रेरी जाता था, पुस्तकें पढ़ता था। अपनी जिंदगी के कुछ पल मैंने वहीं पर गुजारे। जब मम्मी की याद सताती तो मैं सोचता वो कैसी होंगी, कुछ खाती पीती होंगी भी या नहीं, ये सोचकर कुछ पल उनके साथ गुजारता। लेकिन जल्दी उनका आंचल भी छूट गया और मैं एक बार फिर गम में डूब गया। I'm sorry. मुझे ये बताओ कि कोई भी इंसिडेंट तुम्हारे सामने होता है तो तुम उसे भूल जाते हो, ये सिम्टम्स तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हें कब पता चला? जब माँ का देहांत हुआ तो हमारे पड़ोस में जो था मेरा उसे झगड़ा हुआ था। उन्होंने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया था। कुछ दिनों के बाद वो भी चल बसे। एक बीमारी ने उनकी जान ले ली। तब सभी लोग कहने लगे, अभी अभी तेरी माँ का देहांत हुआ है और तू खेल रहा है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ नहीं है। जब मेरे पड़ोसी मुझे इलाज के लिए ले गए तब पता चला। नो डाउट, किसी भी सूरत में इस केस को मैं ही जीतूंगा। हर बार आप यही कहते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना मैं ही जीतूंगा, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। अगर वो जीत गए तो? अरे भैया, वकील तुम हो या मैं हूँ, मेरे केस का फैसला तुम कैसे कर सकते हो? तुम एक काम करो, माइक हाथ में लेकर बाहर जो भीड़ है उसके साथ खड़े रहो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब चुप भी हो जाओ भाई। सर
आप मानते हैं कि ये मोरे राधे ने नहीं किया? विश्वास के बिना केस हाथ में क्यों लेता मैं? आनंद राव जी का कहना है कि ये केस वो जीतेंगे। ये उनका विश्वास है। ओके नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, मैंने बोला ना। शुरू कीजिए। इस केस का बहस शुरू होने से पहले मर्डर के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने के लिए मैं इस अदालत से परमिशन चाहता हूं। इन फोटोग्राफ्स को दिखाने के पीछे एक वजह है योर ऑनर। बिल्कुल वजह है। ये मर्डर किस तरह से किया गया है ये दिखाकर मेरे क्लाइंट से उल्टे सीधे सवाल करके उसे उलझाने के लिए इस फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। Am I right, PP जी? मेरी बातों को काट कर मुझे उलझाना चाहते हो तुम? इन फोटोग्राफ्स के अलावा और कोई गवाह है आपके पास? डॉक्टर साहब, इस हत्या की रिपोर्ट के बारे में आप कोर्ट को जरा बताइए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार किसी धार वाले हथियार से उन पर कई बार वार किया गया जिनसे उनकी मौत हो गई। तो आपके हिसाब से उनकी हत्या कातिल ने लेफ्ट साइड से किया या राइट साइड से? बॉडी पर पड़े निशानों से लगता है कि उन पर लेफ्ट साइड से ही कई बार वार किया गया था। मतलब साफ है उनकी हत्या लेफ्ट साइड से हुई। देखिए डॉक्टर साहब, अगर कोई किसी का खून करना चाहे तो वो अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड में बार बार वार करे तो घाव ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, बताइए। आप समझ कुछ और रहे, लेकिन मैं कहना कुछ और चाहता हूँ पीपी। बताइए डॉक्टर, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? शायद मेरे हिसाब से तो आप बताना नहीं चाहते? अरे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि खून हुआ या नहीं। सॉरी, ये आर्गुमेंट आपने स्टार्ट किया है मिस्टर पीपी। जब आप घटनास्थल पर पहुंचे तब आपने वहां क्या देखा, आप ये बात कोर्ट को बताइए। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा जगन्नाथ जी खून से लथपथ थे। जिस चाकू से हत्या हुई थी क्या वो चाकू आपको वहां मिला? नहीं। कैसे मिलता, खूनी फरार जो हो चुका था। ओके चलिए मान लेते हैं। एक बात बताइए, जिस समय खून हुआ उस वक्त वहां कोई तीसरा भी व्यक्ति था, ऐसा भी तो हो सकता है? वहां पे कोई तीसरा आदमी था, हमें ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला। वहां कोई तीसरा था ऐसा कोई सबूत आपको मिला क्या? ठीक है, मेरे क्लाइंट के खून करने की वजह क्या है, क्या ऐसा कोई सबूत मिला आपको? नहीं। नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी खून हो गया। हर हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। आज हमारी बहस का मुद्दा सिर्फ ये केस नहीं है, आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि इतनी भयानक हत्या होने के बावजूद FIR में इस हत्या के पीछे ना तो कोई रीजन है, ना कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 26 तारीख को होगी। थैंक यू सरिका। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम थैंक यू कह रहे हो? मैंने सोचा था इस संसार में मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम हो, मेरे लिए यही बहुत है। आदि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, ठीक है ना? ये चिकन गुनिया यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है, हाँ? उस दिन रात को, हाँ? कार में एक लड़की मिली थी। एक्सीडेंट? हाँ? फुल धमाल लड़की थी। क्या? उसके साथ 5-स्टार होटल में गया। बाप रे। फिर वहाँ से निकलने के बाद, हाँ? जानते हो उसने मुझे तोहफा क्या दिया? क्या तोहफा दिया भाई? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया मैम, यही मुझे उस कार में जबरदस्ती ले गया मैम। मुझे तो लगा था कि ये कार इसी की है। क्या, वो कार तुम्हारी नहीं, नहीं थी? मेरी नहीं थी। चल अंदर जा। उसके बाद मैं उस लड़की के साथ एक कमरे में, हाँ? गया, वो भी, हाँ? एक फुल प्रूफ रूम, हाँ? में। फिर वो लड़की, हाँ? धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मजा आ रहा है ना जानू? उसके बाद मेरे हाथों को रस्सी से बांध दिया।
ये माया जाल भी है क्या? आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम, मैं बहुत ही सीधा साधा हूँ। अपनी बकवास बंद कर। अरे ऐसे चुप क्यों हो गया? बताना उसके बाद क्या हुआ? रोड से लड़कियों को पिकअप करता है तू? वो खूबसूरत लड़की भोले भाले लोगों को फंसाती थी। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ, फिर मुझे वो बाथरूम में लेकर गई। जल्दी बता आगे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा मत कीजिए, मर जाऊंगा मैं। आप ही बताते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया ना? मैडम कमिश्नर साहब आए हैं। वो कहाँ पर है? सर वो अंदर है सर। चलो सर, हाल ही में इसी इलाके में 5 मर्डर और 6 रेप हुए हैं, तो पब्लिक पूछ रही है कि इसके लिए आप और आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। सुनिए, हम 1 महीने में उस अपराधी को पकड़ लेंगे। अगर हमसे यह नहीं होता तो हम सीनियर से बात करेंगे और यह केस स्पेशल स्क्वाड को सौंप देंगे। वो मर्डरर या रेपिस्ट जरूर यही हो सकता है। आज से तुम दोनों अपना सारा काम छोड़कर इसे फॉलो करो और इसकी सारी एक्टिविटी को कैमरा से शूट करो। वो किस लिए सर? पहले जितना बोला उतना करो। सर। भाई तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी जगह पर तू होता तो ये सवाल नहीं करता। देखा सुरेखा, तुम्हारी फोटोज, तुम्हारे पोस्टर्स पता नहीं कहां कहां से कलेक्ट करके लाया है। कहीं भी देखो तुम्हें तुम नजर आ रही हो, जहां भी देखो तुम्हारी ही फोटोज हैं। ये सब प्रसाद ने किया है आंटी। और नहीं तो क्या मैंने किया है बेटी? उसने अब तक की तुम्हारी सारी फिल्में, तुम्हारी फिल्मों की ओपनिंग्स और तुम्हारे टीवी इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके अपने पास रखे हैं। ये ड्रेस देखो, तुम पहचानती हो ना इसे? हाल ही में तुमने ये ड्रेस जिस फिल्म में पहनी थी उसके प्रोड्यूसर से मिलकर डबल रेट देकर उसने ये ड्रेस खरीदी है। अब तक मैं समझती थी कि प्रसाद बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान है, लेकिन मेरी फिल्म सुने इतनी पसंद है मैं नहीं जानती थी। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? कल तक वो लॉ की किताबें, लॉ के पॉइंट्स के बारे में बात करता था, लेकिन आजकल तुम्हारी फिल्में देखकर सिर्फ तुम्हारी बातें करता रहता है। लॉ की किताबें आजकल उठाना ही भूल गया है वो। अरे बेटी, तुम्हारी सारी फिल्मों के सारे डायलॉग्स उसे याद हो गए हैं। सच में बेटी, वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो गया है। सिर्फ वो ही नहीं, मैं और हमारे घर के सारे लोग तुम्हारे फैन हो गए हैं। हाय सुरेखा। हाय प्रसाद। क्यों बेटा, ऐसे क्यों देख रहा है? माँ। ये सब क्या है माँ? तुम्हें चाय चाहिए? अभी लेकर आती हूँ। सुनिए आंटी, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारा सीक्रेट मेरे सामने आ गया ना। सीक्रेट मतलब कौन सा सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? यही कि मैंने जिन फिल्म्स में एक्ट किया है वो तुम्हें बहुत पसंद है। ओ, अच्छा, या। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो बताने से पहले तुम्हें पता चल गया ना। अच्छा, मैंने जितनी भी फिल्म्स की है उनमें बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा तुम्हें? बेस्ट डायलॉग मतलब सभी बेस्ट डायलॉग? नो, तुम्हें सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा? सबसे अच्छा डायलॉग मतलब उस फिल्म में स्टूडेंट लोग अपने हक के लिए बहुत ही शानदार डायलॉग बोलते हैं। मैनरिज्म वाला डायलॉग? हाँ, वही। मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। एक बार वो डायलॉग सुनाओगी? तुम्हें आता है तो मुझे कहने क्यों कह रहे हो? तुम बोलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नो, तुम ही कहो। जरूरी है क्या? मेरे जैसे एक्ट करके बोलना पड़ेगा? एक्ट करके बोलना पड़ेगा मतलब? प्लीज, मेरे लिए मूड नहीं बन रहा है। तो बनाओ ना। बना कर कहने के लिए भी तो मूड होना चाहिए ना। Don't act smart here. तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओहो, तो मम्मी ने सब बता दिया। ठीक है। सब कुछ तो बता दिया। अब सुरेखा के बारे में कुछ बताओ। सुरेखा। ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूँ। बहुत अच्छे, बेटे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी वो लोग क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं बेटा। शादी मतलब? दोनों के रिश्ते को एक होना ही शादी कहते हैं, और शादी के बाद ही ये दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये एक रस्म है, ये प्यार का वो बंधन है जिसमें एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। तो अगले सीन में हमको फाइट दिखानी है और उसी समय पुलिस की भी एंट्री होती है और तभी दोनों कैरेक्टर जो जुड़वा हैं फेस टू फेस सामने आएंगे और उसके बाद वो दोनों शॉक होंगे, उसको हम फ्रीज करेंगे और फिर लाइट्स ऑफ। ये
ये क्या है? कहाँ से मिला? मुझे नहीं मालूम, आदि ने पहनाया। बेटे ये तूने क्या किया? तुमने ही तो कहा था ना मम्मी, इसे पहना देने से शादी हो जाती है, इसलिए हम दोनों हमेशा साथ में रहे, मैंने इसे ये पहना दिया। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो तू ऐसा ही करेगा? क्यों ना करूं? सुरेखा मुझे चाहती है, मैं सुरेखा को चाहता हूं। सुरेखा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं मम्मी। हम दोनों हमेशा साथ में रहना चाहते हैं, इससे बिछड़कर रहने की मैं सोच भी नहीं सकता मम्मी। ये सच है कि हर एक की जिंदगी में अंधेरा आता है, कारण जो भी हो, लेकिन सुरेखा और उसका परिवार गांव छोड़कर चले गए और हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। उसे रोक लो मम्मी, मैंने और सुरेखा ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। ऐसे जिद नहीं करते बेटा। मुझे तुम लोग नहीं, सिर्फ सुरेखा ही चाहिए। ठीक है, सुरेखा तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, बड़े होने के बाद। तू अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या अपने पापा के जैसे डायरेक्टर बन जाएगा, तब हम दोनों तुम्हारी शादी करवा देंगे। जो तुमने कहा है वैसा ही होगा, लेकिन सुरेखा के पापा से भी बात कर लो मम्मी। बेटा चुप रहो। सुरेखा के चले जाने के बाद मैं अपने आप को तन्हा महसूस करने लगा। कई दिनों तक उसके ख्यालों में खोया रहा। कुछ दिनों के बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया, दूसरी जगह गया ताकि उसे भूल जाऊं। उसे गांव में गया जहां लोग वो गए थे, वहां पता चला कि वो लोग वो गांव छोड़कर किसी और गांव में चले गए हैं। उसके बाद तुम्हारी सुरेखा से मुलाकात कहाँ हुई? मैं फिल्मों में हीरो बनने के चक्कर में चल पड़ा फिल्मी दुनिया की ओर। वहाँ पर जो लोग थे वो उनके गांव की बात करते और मेरी यादें ताज़ा हो जाती, वही पुरानी यादें, पुराना बीता हुआ वो खूबसूरत वक्त। वही मुझे पता चला कि वो आर्टिस्ट बन चुकी है। मैं तुरंत वो गांव छोड़कर शहर चला गया। वाह वाह, इस संसार में मुझ जैसों को जन्म देकर, इस संसार में भटकते भटकते यहाँ आकर, तुम ही हो श्री देवी, इंडस्ट्री की उर्वशी, तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गया। डायलॉग बोलने के लिए आप तैयार हैं ना? Just 2 minutes sir. Okay. Thank Take you. your own time. अरे सुनो, कस्टमर देखिए, जल्दी लेकर आओ उसे। अगला सीन कौन सा? पहले फुल लेंथ लेंगे, फिर क्लोज काटेंगे, ठीक है ना सर? क्या ये डायरेक्टर मैं हूँ या फिर तुम हो? आप हो तो सर। क्या है ये अच्छे सीन को मिक्स करके खिचड़ी क्यों बना रहा है? मेरे हाथ में सिर्फ एक ही फिल्म है, मेरे गांव का टिकट मत कटा, मुझे डायरेक्शन करने दे जी सर। क्यों टांग अड़ाता है? सर। जा अपना काम कर, चले यहाँ से। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सीखने के लिए। अरे सुनो सेटिंग, लाइट सब सवार भी जाओ जल्दी करो। और सुनो, और उसको बोला गाड़ी भेजने के लिए, बढ़िया से लगाओ। अरे जल्दी गाड़ी भेजो यार। दूसरी लिपस्टिक तो इससे डार्क शेड, शॉर्ट का टाइम हो चुका है। ये किसने दिया तुम्हें? ए, तुम्हें ये फोटो किसने दिया? आदि? ओह गॉड, आदि, आदि, सच में तुम आदि हो? आई जस्ट कांट बिलीव इट। आदि, ए टीना, बचपन में जिसके साथ मेरी शादी हुई थी ये वही है। आदि, I'm so happy. कितने सालों बाद मिल रहे हैं? कैसे हो तुम? सुरेखा जैसे ही मिली, मेरा पुराना वक्त वापस लौट आया। सुरेखा हमेशा हमारे बचपन की बात किया करती थी। उसे सुनकर ऐसा लगता कि हम कहाँ बिछड़े और कहाँ मिले, ये समझ में नहीं आया। उसकी बातों में खोया हुआ मैं उसके साथ चल पड़ा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। किस हद तक, अब कैसे बताऊं? प्रोसीड। हमारे यंग जीनियस लॉयर ने अपने तर्कों से इस केस को यहीं पर खत्म करने की पूरी कोशिश की है। मर्डर के पीछे कोई रीजन न मिलने का सहारा लेकर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी योर ऑनर, लेकिन ऐन वक्त पर पासा पलट गया। यह फाइल आपकी ही है ना? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? ये फाइल आपकी ही है ना? मेरी है। ये फिल्म की स्क्रिप्ट है ना? हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, अब नींव इतनी अच्छी है तो इमारत कैसी होगी? ये कहानी तुम्हारी है ना? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? कहानी तुम्हारी है और मुझे बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी है।
कोर्ट का टाइम बर्बाद मत करो। बताओ ये कहानी तुम्हारी है ना? जी हाँ। हाँ, वेरी गुड। तो ये कहानी तुम्हारी है, ये VCD के फिल्म की कहानी और तुम्हारी लिखी हुई इस फिल्म की स्क्रिप्ट, दोनों एक ही है ना? ऐसा कैसे? इस VCD में तो राइटर का नाम K. नरेंद्र राव लिखा हुआ है, इसमें तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? जवाब दो, तुम्हारा नाम इसमें क्यों नहीं है? मतलब स्टोरी तुम्हारी और नाम किसी और का, यही है ना? इन्हें जवाब देने के लिए बोलिए। तुम मत बताओ, मैं ही बता देता हूं। साल का सबसे सुपरहिट फिल्म देकर दर्शकों से करोड़ों कमाने वाले K. नरेंद्र राव, उन्हें जो नाम और शोहरत मिला वो उनका नहीं है। इस कहानी के सही हकदार ये हैं। हालात की मजबूरी कहें या धोखाधड़ी की वजह से कहें, दर्शकों को छोटी फिल्म परोसने वाले नरेंद्र राव का खास था ये आदि। इसकी कहानी से नरेंद्र राव रातों रात सुपरहिट हो गए। कहानी पर मेहनत किसी और ने की और नाम कोई और ले गया। दर्शकों ने उन्हें सर आंखों पे बिठा लिया। जो नाम और शोहरत मुझे मिलना चाहिए था वो मुझसे छिनकर वो ले गया। इसी बात से परेशान होकर बुरी तरह बौखला गया ये आदि, और इसी के कारण जगन्नाथ राव से इसकी जबरदस्त लड़ाई हुई और गुस्से में इसने जगन्नाथ जी को वही मार डाला। अदालत के सामने सारी सच्चाई हो गई और ऑनर बैठिए ना, इसीलिए भाभी कहां जा रही हैं आप? फास्ट है कि आप जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाइए। दैट्स ऑल योर ऑनर। चलो, अपने आप को समझते क्या? एक नंबर के झूठे हो तुम। सारे सबूत, सारे गवाह, सारी स्थितियां तुम्हारे खिलाफ थी, उसके बावजूद मैंने तुम पर विश्वास किया। सारी कहानी तुम्हारी खुद की बनाई हुई थी, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? What the hell is wrong with you? Tell me. वो कहानी मेरी ही है, इंडस्ट्री में मेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए राज कभी मत खोलना किसी के भी सामने। इस बात का वादा मुझसे जगन्नाथ जी ने लिया था। केस बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था, तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। मेरी हालत ही उस वक्त कुछ ऐसी थी, मुझे नाम से ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इंडस्ट्री में कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं और कुछ नाम के लिए करते हैं। मेरी मजबूरी उनके सामने थी और एक दिन आदि, तुम्हारी लिखी हुई कहानी का डायरेक्शन मेरे भाई ने किया है, क्यों उसे लेकर तुम इतना उलझन पैदा कर रहे हो? वो मेरा सगा भाई है और तुम भी मेरे भाई के तरह ही हो। इंडस्ट्री में इस तरह से कभी कभार होता रहता है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है सर, क्योंकि मुझे उसकी कीमत मिल चुकी है। बात अपनी जबान की है, आपने मुझे डायरेक्टर बनाने का वादा किया था, लेकिन मेरे सब्जेक्ट पर डायरेक्टर मुझे नहीं अपने भाई को बनाया, तो अब मेरा क्या? ओके, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी अगली फिल्म के डायरेक्टर तुम ही होगे। ये साइनिंग अमाउंट। अरे ले लो ना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। ओके? इसलिए वो बात मैंने किसी को नहीं बताई। शहर में जीने के लिए पैसों की जरूरत होती जो मुझे उन्होंने दिए, तो क्या मैं जगन्नाथ जी को मारूंगा? मैं सोच भी नहीं सकता। केस पूरी तरह मेरे हाथ में था, मैं तुम्हें किसी भी तरह बचा कर निकाल लेता अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते। नहीं बताने का क्या फायदा हुआ तुम्हें? सामने वाले वकील ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। प्रसाद, क्या हुआ आदि? ये बात किसी से कहना मत। यकीन करो, किसी से नहीं कहूंगा, ठीक है? छोड़िए सर, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, अब इस केस के बारे में कुछ भी सोचना पॉइंटलेस है सर। लीव इट सर। नहीं, मैं भी इस केस को चैलेंज समझकर लड़ूंगा। इस केस के बहस के दौरान जगन्नाथ की बीवी एक बार भी अदालत नहीं आई, ये एक बड़ा सवाल है। भरत, तुम तुरंत CI से जा करके मिलो। वो कब, कहाँ, किससे जा करके मिलती है, उसकी सारी डिटेल्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। हाय हाय।
ये क्या है? अरे संभाल के संभाल के। क्या करूं? नहीं प्रसाद, ये केस हम जीत जाएंगे ना? मुझे विश्वास है ये केस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खास है, क्योंकि ये मेरे करियर के लिए नहीं बल्कि मेरी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट बन चुका है। मुझे तुम जैसा एक अच्छा दोस्त मिल गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक बात बताओ, इस केस के लिए तुमने अब तक कोई फीस क्यों नहीं ली? क्योंकि ये केस तुम्हारा जो है। इसलिए नहीं ली? बिल्कुल, तुमने तो कहा था कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सुरेखा, मेरी एक हेल्प करोगे क्या? हेल्प? और मैं? बिल्कुल, तुम ही कर सकती हो। मैंने आज तक प्यार शादी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज एक लड़की ने मेरे दिल में ना जाने की बहुत हलचल मचा रखी है। मतलब तुम किसी को चाहते हो क्या? बिल्कुल, लेकिन अभी तक मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। क्यों नहीं बताया? वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं, बस इसी बात का डर है मुझे। अगर तुम नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा? बताने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे चाहती है या नहीं? अगर वो तुम्हें देखकर हंस दी तो तुम्हें चाहती है, और अगर मुंह बनाकर चल दी तो समझो नहीं चाहती। सिंपल। यानी कि मैं उसे कह दूं क्या? हाय, मैं प्रसाद, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हेलो। आई लव यू सुरेखा। सर, इंस्पेक्टर भूपति ने यह मैसेज भेजा है। आबादी को देखकर इतनी टेंशन में क्यों आ जाती है? इससे हमारे सारे राज खुल सकते हैं। कोर्ट में जब आर्गुमेंट हो रहा था, आप अचानक वहाँ से उठकर बाहर क्यों चली गई? चाहे कोई कुछ भी कहे, आदि ने उन्हें नहीं मारा है। किसी और के किए हुए पाप की सजा आदि को मिल रही है, उस पे गलत इल्जाम लगाया गया है। प्लीज भाभी, ये सारी बातें मुझे भी पता है, अब आप चुप रहेंगी? समझ गई ना? प्लीज, मेरा बहुत करीबी रिश्ता है उससे, मैं इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहता हूँ। जिस औरत का हाथ इस मर्डर केस के पीछे है, वो अभी तक बाहर है। इस वक्त अपना पराया भूलकर सच्चाई क्या है वो मुझे बताइए, बताइए प्लीज। सब कुछ बताने के बाद आपके मन को शांति मिलेगी। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन अपनी ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गई है, हर जगह हिट जा रही है सर। अरे तुम सबकी मेहनत का फल है। अरे क्या एक्शन है फिल्म में। आओ सुरेखा आओ। हे कम ऑन। कम ऑन, लेट अस सेलिब्रेट आवर सक्सेस। आज हर चीज को हम आपस में बांटेंगे, मिलकर एंजॉय करेंगे। बाहर से शरीफ होने का दिखावा करते हो और अंदर से एक घटिया इंसान हो। आज के बाद मैं तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करूंगी। अब से तुम्हारी कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। भूल गए, एक दिन तो ही हमारे पास काम मांगने आई थी, आज तुम जिस जगह पे हो ना, इन्हीं की वजह से, और इन्हीं से जबान लड़ा रही हो। ए सुरेखा, तुम बात समझो सुरेखा, एक बार हाँ बोल दो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, तुम ऐश करोगी। तुम्हें तो सिर्फ अपने भाई के सामने बदतमीजी करनी आती है बस। फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर तुम दोनों भाई ब्रोकर का काम कर लो, बहुत तरक्की करोगे। तू जानती किससे बात कर रही है? I am a star maker. I made you a star. अगर मैं चाहूँ तो तुझे YouTube की मैं करता हूँ ना इससे। जिस दिन तुम मुझसे काम मांगने आई थी उसी दिन मैं तुम्हें बेडरूम में ले गया होता तो आज तुम ऐसा बिहेव नहीं करती। कहाँ जा रही हो? तूने कहा था ना कि मैं बाहर से दिखने में बहुत शरीफ हूँ। हाँ, मैं सच में शरीफ नहीं हूँ, अभी दिखाता हूँ। देख, सेकंड मैं हूँ। ओके, उसके बाद तू है, समझ गया ना? नरेंद्र,
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो भैया तो भाभी नीचे हैं, ऊपर ऊपर हैं। पर तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों हो? इसमें टेंशन कैसी, पार्टी चल रही है तो एंजॉय कर रहे हैं। ओके, मैं समझती हूँ बाबा। ओके, एंजॉय। चीयर्स। अरे ये क्या अचानक ऊपर कैसे आ गई? पता नहीं कैसे। भाभी आवाज कैसी है? नहीं भाभी, आप यहीं पर रुकिए। ए सुनो, तुम मेरे नीचे लेकर जाओ। चाहिए भाभी नीचे आइए ना। इसलिए तुम हटो यहाँ से। प्लीज आप जाइए। मैंने कहा हटो। तुम अपना मुंह बंद रखो। सुरेखा रो मत, चुप हो जा। आपने देखा ना ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। उस वक्त आधे भी वही मौजूद था और वो बहुत गुस्से में था। प्रसाद, ये बात किसी से कहोगे नहीं? मेरा यकीन करो, किसी से नहीं कहूंगा। केस पूरी तरह मेरे हाथ में था, मैं तुम्हें किसी भी तरह बचा कर निकाल लेता अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते। नहीं बताने का क्या फायदा हुआ तुम्हें? तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया आदि। तुम सुरेखा से प्यार करते हो क्या? आदि, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इस विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। क्यों? क्या तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? क्या बात है आदि? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताओ। तुम तो उससे प्यार करते हो, पर वो तुमसे प्यार करती है ऐसा उसने तुमसे कहा है? बताओ आदि। प्यार इजहार से नहीं होता, बिना कुछ कहे भी समझ में आ जाता है। ओ, इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो कि वो तुमसे प्यार करती है। प्लीज, उस विषय में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर किस लिए आदि? मैंने कहा ना, मेरे सर में दर्द है। अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो सबसे ज्यादा किसे तकलीफ होगी जानते हो ना? सुरेखा के बहुत सारे फैंस हैं और उन लोगों में से बहुत से लोग उसे चाहते भी होंगे। वो एक स्टार है, इसमें गलत क्या है आदि? तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलो। बिना मतलब की फालतू बात कर रही हो डायन। एक बात याद रख, फालतू बातों से मेरा दिमाग सटक जाता है। हेलो डॉक्टर, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है। आदि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से परेशान है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर? यस, मतलब कोई भी इंसान किसी हादसे की वजह से हद से ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो बार बार बाहर आती रहती हैं और जिंदगी भर वो इंसान इस परेशानी से जूझता ही रहता है। अगर कोई दूसरा इंसान उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है तो उसके सारे पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर पागलों की तरह बिहेव करता है। उसका मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो खुद अपने आप को भूलकर उसके अंदर एक दूसरा रूप पैदा हो जाता है। इसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। उसका बिहेवियर देखकर मुझे पहले ही डाउट हो गया था। मैं अपने डाउट को क्लियर करना चाहती थी। वो नॉर्मली बिल्कुल ठीक रहता है, पर जब इसका दूसरा रूप बाहर निकलता है वो पूरी तरह से बदल जाता है और उस वक्त वो कैसे बिहेव करता है खुद नहीं जानता।
रुको प्रसाद, मेरी बात सुनो। प्रसाद छोड़िए डॉक्टर। प्रसाद प्रसाद मुझसे झूठ बोलकर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्रसाद प्लीज प्रसाद। अब बहुत हो गया, मेरे साथ और नाटक नहीं। वो मर्डर तुमने ही किया ना, बताओ बताओ मुझे। क्या है, उधर क्यों देख रहा है? इधर मेरी आंखों में देखकर बात करो। सच्चाई मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बताओ मुझे। प्रसाद तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सफेद झूठ। यू आर अ लायर, यू आर अ मर्डरर। नहीं प्रसाद, मेरा यकीन करो। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाला नहीं। ये मर्डर तुमने प्लान करके किया। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुमने ही किया है। आदि, तुम्हें और कोई काम नहीं किया? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं अकेला रहना चाहता हूँ, क्यों बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हो? अकल नहीं है क्या? किसी के डराने धमकाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। कौन हो तुम? क्या कहा? हाँ तुम। मैं कौन हूँ? जानता हूँ तुम आदि के लॉयर हो। तो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग तुमसे डरते होंगे, आदि भी तुमसे डरता होगा। एक लायर होकर यही है तुम्हारा मॉरल सपोर्ट। हाँ, 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 हाँ। एक बात समझाता हूं, फिर कभी मुझे डराने धमकाने की कोशिश की तो ये जान लो कि तुम्हारा काम तमाम। ओ सॉरी। वैसे तुम कौन हो ये नहीं बताया? ओह सॉरी, आई एम शंकर, फ्रेंड ऑफ आदि। ओहो, नाइस टू मीट यू। वो मेरी जान है, हमारी आत्मा दो है, शरीर एक है। बेचारा वो हेल्पलेस फेलो, अगर मेरी मदद ली होती तो उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यानी कि आदि ने जगन्नाथ जी का मर्डर नहीं किया, यही ना? मर्डर? आदि मर्डर करेगा? वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता तो किसी का मर्डर क्या करेगा? मैंने किया है वो मर्डर। मतलब वो मर्डर करने वाला? हाय सोसाइटी, ब्लडी सोसाइटी, लाखों का खेल है, लाखों में बिकते हैं, दुनिया को डराकर अपना खेल खेलते हैं। अलग खेल की अलग लोकेशन, शक्ल इंसान की, खेल शैतान का। ऐसे लोगों को मारना मेरा धर्म है। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो अपनी जिद पर अड़ गया, मैं बाहर आ गया। वो शैतानी खेल अपनी आंखों से देखा, सुरेखा का रेप करने की कोशिश कर रहा था, उसे बचाने के लिए मुझे उसे मारना ही पड़ा, मारना पड़ा। ऐसों को मारना ही चाहिए। सुरेखा की आंखों में आंसू मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उस प्रोड्यूसर को टपका दिया। एक दो वार करके नहीं मारा, बोटी बोटी करके बड़ी ही तेरहवीं से मारा उसे। बड़ा प्रोड्यूसर बनता था कमीना, इंसान के रूप में शैतान, उसके खून से भी बू आ रही थी, बदबू आ रही थी। आनंद राव स्प्लिट पर्सनालिटी, यही सच्चाई है, क्योंकि ये जानती है कि यहाँ सभी स्टोरी राइटर हैं। अब तक मेरे यंग जीनियस लॉयर जी ने हर तारीख पर नई नई कहानी सुनाते आए हैं। आज जब स्प्लिट पर्सनालिटी सामने आई तो मुंह छुपाकर चुपचाप बैठे हैं, और ये जो महाराज हैं मर्डर करने के बाद कहते हैं कि मैं भूल गया। ये आपके लिए नहीं है, जिस महान आत्मा ने आपको जन्म दिया मैं उन्हें करता हूं नमस्कार। बस करो, भगवान के लिए बस करो। आदि तुम्हें बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं। रुको प्रसाद, ये केस जीत कर भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक मामूली
मामूली काम करके जी रहा था, अब सजा क्या है? जज साहब से कहो सुना दे, जज साहब से कह दो मैं सलाखों के पीछे पत्थर तोड़कर जी लूंगा मैं। You are a criminal. You are a cheater. You are a criminal. मैं मानता हूं कि तुम आदि के लॉयर हो, अगर दोबारा उसे डराने की कोशिश की तो ये जान लो कि अगर मैं उसके अंदर से बाहर निकला तो फिर 36 टाइम्स। आदि निर्दोष है, उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसी की वजह से वो परेशान हो रहा है। दोनों रूप में बहुत फर्क है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। कांग्रेट सर, उसे ट्रीटमेंट पक्का मिलेगा। डॉक्टर की गवाही और वीडियो कंपनी की गवाही से ये साबित हो गया है कि वो मानसिक रोगी है। ये डॉक्टर का विटनेस और ये वीडियो कैसेट और गवाहों के साथ अगर हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो हमारा केस और भी कमजोर हो जाएगा। हमें उसे बचाने के लिए किसी मजबूत पॉइंट की जरूरत है। हेलो सुरेखा। प्रसाद, ऐसी बात है तो तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके प्रसाद। लगता है तुम मेरी बात समझ गई। थैंक यू सुरेखा। मिस सुरेखा, आपका फिल्मी करियर प्रोड्यूसर जगन्नाथ के साथ ही शुरू हुआ था ना? जी हाँ। जिस कंपनी से आपने अपने करियर की शुरुआत की फिर उस कंपनी से आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट आपने पेपर में क्यों दिया? लगता है केस किसी और तरफ मुड़ने वाला। पीपी जी, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ गया। इन्होंने पेपर में जो स्टेटमेंट दिया था उससे इस केस का आखिर क्या संबंध है? यही ना, मुझे जो डाउट है वो तो आपने बता दिया, आप उसे क्लियर भी कर दो ना। श्योर। मिस सुरेखा, जगन्नाथ प्रोडक्शन से आपका संबंध क्यों बिगड़ा आप जरा बताएंगी? इस केस के लिए हमारी हेल्प होगी उससे। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। नॉट कम्फर्टेबल, वाई? ओके, स्वर्गीय जगन्नाथ जी के दो चेहरे थे, क्या ये बात सच है? आई मीन सोसाइटी में एक शरीफ इंसान और पर्सनल लाइफ में, मतलब जगन्नाथ जी से आपका बहुत करीबी रिश्ता था, ऐसी अफवाह है। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गई होंगे। ये सच है ना आदि? मुझे सच सच बताइए, आपकी एक फिल्म के ऑडियो रिलीज के दिन प्रोड्यूसर जगन्नाथ जी ने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? ये सारी बात तुम्हें भी पता है ना आदि? जवाब दीजिए मिस सुरेखा, आखिर उस दिन क्या हुआ ये कोर्ट जानना चाहती है। मिस सुरेखा, आपकी खामोशी जगन्नाथ जी को एक शरीफ इंसान साबित कर रही है। नो, वो इंसान ही नहीं, एक घटिया इंसान था। उस रात उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और जब मैंने ना कहा तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। ऐसे गंदे इंसान को तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है। ऐसे शैतान इंसान को अगर कोई मारता है तो गुनाह नहीं है। That's all, Your Honor. Okay, Mr. आनंद राव, any cross question? Your Honor, यह आर्ग्यूमेंट अपनी सीमा पार कर चुकी है। इससे मरने वाले की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। जगन्नाथ जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी की वजह से लाखों लोगों का पेट भरता था। आज मैं खुद उनकी मौत से सदमे में हूँ। देखिए मैडम, आज तो आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, लेकिन आज तक आदि क्यों नहीं स्टार बन पाया बता सकती हो? इंसान की बदकिस्मती अच्छे अच्छों को भटका देती है वकील साहब। मतलब बदकिस्मती जिंदगी भर साथ में चिपकी रहती है। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह अपनी बदकिस्मती का लेबल लगाकर उसके पीछे पागलों जैसा घूमता रहता है, और तुम भी उसे बदकिस्मत कह रही हो। हाय रे किस्मत। आदि तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदकिस्मत बना?
क्योंकि वो ऑडियंस है। जगन्नाथ जी के नाम को जिस तरीके से तुमने एक्सपोज करने की कोशिश की, इससे ये साफ होता है कि तुम किसी और के दबाव में ये कर रही हो। तुम अपने गुनाह को छुपाकर दूसरे को बदनाम करने के लिए आदि को अपना मोहरा बना रही हो। उसके साथ कम से कम एक रात गुजारने की कोशिश कर रही हो, या फिर कई रातें। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? इससे अच्छा उस महान हस्ती को ही चांस दे देती। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। अब देखो वो बेचारे भी चले गए। कैसे हो आदि? थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कोर्ट में तुमने क्या किया, तुम्हें कुछ याद है? मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी की क्या? जो करना था वो तुमने किया, इसीलिए कोर्ट तुम्हें सजा नहीं दे पाई। नाउ यू आर अ फ्री बर्ड। हो सकता है तुम जब तक ठीक ना हो जाओ तुम्हें हॉस्पिटल में रहना पड़े। थैंक यू प्रसाद। कहते हैं दुनिया में भगवान होता है, अब मेरे लिए तो तुम भगवान हो। तुमने मुझे बचाया। आदि, तुम्हें मैंने नहीं बल्कि भगवान ने बचाया है। तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें बचाया है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। ओके प्रसाद। बोलो आदि। आनंद राव जी को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। लगता है वो अभी भी सदमे में है। उन्हें सदमे से बाहर निकालना है ना। उन्हें मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। श्योर। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो स्प्लिट पर्सनालिटी का स्ट्रोक पड़ने के बाद तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता है। ये बात तुम्हारे डॉक्टर का कहना है, लेकिन तुमने कहा आनंद राव जी सदमे में होंगे। ये बात आखिर तुम्हें कैसे याद रही? Too many questions. Go home, Prasad. Enjoy your success. क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो? मैं कौन हूं? आदि हूं या शंकर? तुम्हें कौन चाहिए, किससे बात करनी है तुम्हें? आदि से करनी है या शंकर से, या फिर दोनों से? लक्ष्मी प्रसाद, इस केस से तुमने मुझे बचाया। मैं सजा से बच गया और तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ गई। ज्यादा सोचो मत, घर जाकर आंखें बंद करके आराम से सो जाओ। क्या करूं प्रसाद, पुलिस ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। जब बचपन में मैं लाइब्रेरी में काम करता था तो उस वक्त किताबें पढ़ने का बहुत मौका मिला था मुझे। उस वक्त मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में जाना। उसी तरीके से मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, बेवकूफ बनाया और केस जीत गया मैं। सोच रहे होगे सारी बातें इस वक्त तुम्हें क्यों बता रहा हूं। सुरेखा को लेकर बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है। सुना है तुम उसकी नजर में देवता बन गए हो, और तो और तुमने इस केस की फीस भी नहीं ली। क्यों, किस लिए? इसलिए कि इस देवता के दिल में कुछ ना कुछ काला है कि नहीं? वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम मेरे लिए भी देवता ही हो, ये सच है।
लेकिन कभी सुरेखा की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो इस देवता को भी मैं कुछ नहीं समझूंगा। सुरेखा को अपना जीवन साथी मैं बचपन से बना चुका हूं। She is just like my wife. उसे अगर कोई छुएगा भी तो उसका काम तमाम। तुम्हें भी वैसे ही मारूंगा जैसे उस जगन्नाथ को मारा था। सुरेखा की जिंदगी से 40 कदम दूर रहो। मैंने जो कहा उस बात को कभी भूलना मत सर, क्योंकि आपके एहसानों को मैं कभी नहीं भूल सकता। चलता हूं सर। साबित करने के लिए जी जान लगा दी। आपने ये सब कैसे किया सर? कैसे किया सर? कुछ बोलिए। Too many questions. तुम्हें कौन चाहिए? आदि चाहिए या फिर शंकर? कांग्रेस मिस्टर प्रसाद, आपको सिटी का बेस्ट लॉयर घोषित किया है। हर टीवी चैनल पर तुम्हारी ही चर्चा है, हर न्यूज़पेपर में तुम्हारी तारीफ हो रही है। यू आर रियली ग्रेट मिस्टर प्रसाद। कोर्ट में जब वाद विवाद चल रहा था तब वहाँ एक ऐसी अजीब घटना घटी जिससे ये साबित हो गया कि वो एक दिमागी मरीज है। इस केस के लिए प्रसाद जी ने बहुत कड़ी मेहनत की थी। क्या हुआ बेटा? कल तक तो तुम बहुत खुश थे। अब तक तुमने जो भी केसेस लड़ी हैं, उन सब में ये केस बहुत कठिन था। सच में? केस तो तुम जीत गए, फिर भी क्यों उदास हो? ये केस मैंने नहीं जीता माँ, धोखा हुआ है मेरे साथ। ये क्या कह रहे हो? क्रिमिनल की आंखों में देखकर ही मैं सब कुछ बता सकता हूँ। पहली बार जिंदगी में, पहली बार मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया है। इस केस को मैंने अनजाने में लड़ा है माँ, वो स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है। ये तुम्हें किसने बताया? ये बात मुझे किसी और ने नहीं, उसने खुद बताई है। प्रसाद, लगता है तुम दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया है। बिल्कुल है, ये बात भी उसने क्लियर किया है। अरे ये फोटो, ये शील्ड सब बेकार है। बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन बात अब हाथ से निकल चुकी है बेटा। नहीं, नहीं बचेगा, उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं छोड़ूंगा। अरे वहाँ क्या हो रहा है? उसकी तो जमकर पिटाई हो रही है। सुनो बेटा, बहुत जल्दी में हो क्या? जो लोग जाना चाहते हैं वो नहीं जा रहे, तुम क्यों जा रहे हो? चलो आ जाओ। जल्दी से बता दीजिए क्या लिखा। हाँ, क्या जरूरत है, मैं तो चेहरा देख के कुंडली बता देता हूँ। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है बहुत जल्द टाइम बदलने वाला है। अगर तुम 1000 रुपए दोगे तो मेरा काम, तुम्हारा काम बन जाएगा और किस्मत बदल जाएगी तुम्हारी। उतना नहीं है। फिर क्या 500 है? उससे जरा नीचे आई। 200 है? और जरा नीचे। 100? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो उठो यहाँ से, चलो।
मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है? अरे तुम्हारा तो शरीर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कह रहे हो? अरे झूठ नहीं बोलता, निकल यहाँ से। मैडम, मैम इधर आइए, देखिए। मैंने इतना गिरा हुआ इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ए, तुझे शूट क्यों कर रहा है? बंद कर। ये खिलौना आपका है? हाँ भैया। तो ले लीजिए बहन जी। नो 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 नो, आई एम सॉरी प्रसाद, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आज तक किसी भी लॉयर ने जीते हुए केस को रीओपन करके अपने करियर में दाग लगाया हुआ ऐसा हिस्ट्री में भी नहीं है। हिस्ट्री को आप बीच में क्यों ला रहे हैं सर? एक गुनहगार को बेगुनाह साबित करके सोसाइटी में उसकी इज्जत बनाए रखेंगे तो हमारे संविधान का अपमान होगा सर। सॉरी सर। अब तुम इतना इमोशनल हो रहे हो तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। तुम जानते हो केस रीओपन होने से तुम्हारे काम पर कितना असर पड़ेगा? तुम्हारे लॉयर होने पर ही सवाल उठ जाएगा, तुम्हारी इमेज। कोई बात नहीं सर, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा करियर बर्बाद हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं सर, लेकिन मैं एक गुनहगार को नहीं छोड़ सकता। ही इज कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, उसकी जगह सिर्फ जेल है। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आज उसे मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दिए तो? वो बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर, दो दिन में मेरी छुट्टी हो जाएगी। अगर तुम कॉन्फिडेंस रखोगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मतलब मेरी सेहत ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें कल ही डिस्चार्ज दे दूंगा। थैंक्स डॉक्टर। मिस्टर आदि, ये तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे साथ हैं। आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, ऐसे मैं बहुत खुश हूँ। अरे प्रसाद जी, तुम कैसे हो? नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, मैंने बताया था ना, लॉयर प्रसाद साहब। मेरी जिंदगी बचाने वाला भगवान। आई नो आई नो। मिस्टर प्रसाद, उनकी हालत अब बहुत अच्छी है, कंप्लीट रिकवर होने वाले हैं वो। मैं जल्दी डिस्चार्ज कर दूंगा। डॉक्टर, मैं आदि से अकेले में मिल सकता हूँ? व्हाई नॉट, प्लीज गो अहेड। कंग्रेचुलेशंस, सुना है कुछ दिनों में डिस्चार्ज होने वाले हो? यहाँ पड़े पड़े बोर हो गया हूँ, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, सुरेखा से शादी करके। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी शंकर। आदि, इस वक्त मुझे चाहिए शंकर। नहीं है। आएगा, बुलाऊंगा, देखना है। ए प्रसाद, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ए क्या कर रहे हो प्रसाद? रुको, क्या कर रहे हो प्रसाद? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो प्रसाद? अरे अरे मैं, अरे डॉक्टर, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये मुझे मारना, अरे मैं इसे मार नहीं रहा, जान बचाओ। मार नहीं रहा इसे डॉक्टर, ये मुझे मारना नहीं। हाँ ये कुछ हरकत, मैं इसे मार नहीं रहा, नहीं 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 मार रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? आपने तो कहा था कि ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जो ठीक हो जाता है वो किसी पर इस तरह से हमला करता है क्या? ये देखिए मेरे सर पे किस तरह से चोट लगी है। आपके सामने इसने कहा था कि ये मेरे लिए भगवान है, मेरी जान बचाई है इसने, यही ना? टेक हिम डॉक्टर, इसको जाके सेल में डाल दो। चला ले, चला चला चला। आदि शंकर, पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीर। देख लिया ना, कुछ दिनों में डिस्चार्ज होने वाले को मैंने किस तरह से फंसा दिया। अब आओ, अब बाहर आओ। आने नहीं दूंगा। तुम तो बात करते करते अचानक आदि से शंकर बन जाते हो ना? कहाँ है वो शंकर? आया क्यों नहीं अभी तक? शंकर, शंकर,
देखो, तुम्हारा खेल कामयाब नहीं होगा। यहां तक कि सुरेखा भी, अगर तुम यहां से डिस्चार्ज हो गए तब भी माइंड इट, वापस जेल ही जाओगे। अभी तक तुमने जो भी खेल खेला बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तुमने जो खेल खेला वो तुमने अपने लोगों को बता दिया है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। फंस गए हो तुम। साथ तुम्हारे लिए ही वेट कर रही थी। हे, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मामूली चोट है। आओ गाड़ी में बैठो। ओके। डायरेक्टर से कहना मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके? ठीक है मैडम। टीना बाय। बाय मैम। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। तुम्हारे साथ जो इंसानियत दिखाई वो गलत था। वो बात नहीं है प्रसाद। देखो सुरेखा, मेरी उससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जीते हुए केस को भी हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है सुरेखा। वही तो मैं सोच रही हूँ प्रसाद। बचपन से ही आदि कैसा इंसान है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पिछले 2 सालों से वो यहीं पर है। तुम्हारे साथ उसने ऐसा बिहेव क्यों किया मुझे नहीं पता। प्रसाद, मैं खुद उसे कन्विंस करूंगी। कैसे करोगी, क्या करोगी? तुम उसे कन्विंस करने की कोशिश करोगी, उसी समय वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि वो तुम्हें मार डालेगा। आदि मुझे मारेगा? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? वो मुझे कुछ नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो मैं समझ ही नहीं पा रही। क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुम्हारा शक गलत है। सुरेखा मेरी बात पर यकीन करो। प्रसाद, मैं यकीन करती हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम मुझे जानते हो, ये सच है ना? यही रुको, मैं भी आती हूँ। ओके मैम। मैडम, गाड़ी को थोड़ा उसके और नजदीक ले जाइए। हाँ लेट प्लीज। विद प्लेजर। मैडम, हमारी रिकॉर्डिंग को पूरा करने के लिए एक औरत भी आ गई। ये पीछे क्या है? अंबेडकर नगर में मेरी कपड़े की दुकान है। अक्सर मुझे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं तो मैं उन्हें कार से डिलीवरी करके पहुंचाता हूँ। आप बिजनेसमैन हो क्या? नहीं 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 नहीं, ये काम मैंने अभी अभी शुरू किया। मैं आपको कहाँ पर छोड़ दूँ? जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले चलो। मैं कुछ समझा नहीं। हाय राम। आओ ना। अरे बाबे, क्या कर रहे हो? ची ची ची, कहीं पर भी ये शुरू हो जाता है। ची ची, क्या क्या कर रहा होगा? वो कुछ और कर रहे होंगे यार, तुम बस अपना काम करो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? इस बार तो सही फंसा है मैडम। वो वहाँ खुश हो रहा, हम यहाँ पर खुश हो रहे हैं। सही कह रहे हो। तो अरे कहाँ फंस गया मैं? अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? रुक, आप नहीं बात रिकॉर्ड हो गया। चलो चलो, मैं नहीं खाऊंगा। अरे नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? नहीं खाऊंगा। नहीं खा रहा है क्या? नहीं सर। तुम लोग जाओ यहाँ से। जी सर। क्या हुआ तुम्हें? खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम? मरना है क्या तुम्हें? भूखे रहोगे तो बिस्तर पकड़ लोगे, उसके बाद संभालना मुश्किल होगा। प्लीज सर, सिर्फ 2 मिनट सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ 2 मिनट सर। तुम क्या कहना चाहते हो? कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, यही कहना चाहते हो ना? है ना? ये बात नहीं सर। आपने कहा था कि मैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगा, लेकिन ये बात आप इतनी जल्दी भूल कैसे गए? मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा क्योंकि तुमने उस दिन लॉयर को मारा। यही बात आप गलत समझ बैठे सर। उस दिन प्रसाद को मैंने नहीं मारा, उसने खुद ही अपना सिर दीवार पर मारा था। अच्छा, और भी कुछ कहना बाकी है? सर आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मानता हूँ सोसाइटी में उनका एक अलग स्टेटस है। वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकते हैं क्योंकि वो एक लॉयर है। जिंदगी में हो सकता है वो कभी झूठ न बोले हों। आप माने या ना माने, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है सर। मैंने उन्हें नहीं मारा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को सच मान लेता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें फंसाने के लिए वो ऐसा क्यों करेगा बताओ? जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है।
उस लड़की को अपना बनाने के लिए वो मुझे पागल साबित करना चाहता है सर। मतलब वो तुम्हें फंसाना चाहता है? मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ सर। प्रसाद एक अच्छा इंसान है, लेकिन प्यार के खातिर और उस लड़की को अपना बनाने के लिए वो मुझे गलत साबित करके उसे मुझसे छीनना चाहता है। अफसोस, वो मुझे समझ नहीं पाया सर। मैंने उसे लाई डिटेक्टर से टेस्ट किया, उसने अपनी सारी सच्चाई बता दी है। ये बताओ, आखिर तुम उसे पागल साबित करके क्या हासिल करना चाहते हो प्रसाद? He is a cheater, doctor. He is a big criminal. तो फिर उसे निर्दोष साबित करने के लिए तुम कोर्ट में केस क्यों लड़े हाँ? वो डॉक्टर, आदि को तुरंत डिस्चार्ज कर दो। डॉक्टर मेरी बात सुनिए, आप उसे नहीं जानते डॉक्टर, प्लीज। बस अब बहुत हुआ मिस्टर प्रसाद, अभी कुछ मत बोलो। कभी तुम उसे पागल कहते हो, कभी तुम उसे क्रिमिनल कहते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पागल कौन है। आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आप जरूर पछताओगे। बस, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मिस्टर प्रसाद, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े लॉयर हो, लेकिन वो कोर्ट में, यहाँ के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हॉस्पिटल के बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आदि रिकवर हुआ या नहीं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चाहे कोई कुछ कहे, मैं उसे डिस्चार्ज करके रहूंगा। डॉक्टर, 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 तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने। सर आप सब यहाँ? यहाँ कैसे? क्यों, एक फिल्म प्रोड्यूस करके मैं घर में बैठ जाऊंगा ये सोचा था क्या? चलो आदि, हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरे डिस्चार्ज होने की बात आपको? इन्हें मैंने बताया मिस्टर आदि, ये लोग इससे पहले भी यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पूछताछ करके गए। आदि जी, आजकल की फिल्मों के बारे में तो आप जानते हैं। अभी हाल ही में आपकी स्टोरी पर जो फिल्म बनी थी वो सुपरहिट हुई, इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि इस बार हम आपको ही फिल्म में लेंगे। इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं? हम एक और फिल्म बनाने की प्लान कर रहे हैं। चलिए ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। ठीक है, चलता हूँ सर। ऑल द बेस्ट। हाय। हाय। आप डिस्चार्ज कब हुए? बस अभी अभी। सुरेखा, सुरेखा घर में नहीं है क्या? दो दिन के बाद गाने की शूटिंग है, इसलिए डांस की प्रैक्टिस करने गई हैं। सुरेखा को डांस प्रैक्टिस करने दो, डायरेक्टर साहब ने मुझे मौका दिया अपने बारे में। रियली? दैट्स ग्रेट आदि, मुबारक हो। जिंदगी में ये दिन कब आएगा यही सोचता था, आज वो मौका मेरे पास खुद चल कर आया। इससे मैं प्रूफ करूंगा कि मैं भी एक डायरेक्टर हूं। सुरेखा को मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा। रूपा, तू जाकर मिठाई लेकर आ। See you later. आदि, पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है, अगर लाइफ में कलर ना हो तो जिंदगी बेकार है, पर हमें कलर के पीछे ऐसे भागना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल होके सोच के ही कदम उठाना चाहिए। इसकी ये बात तो बिल्कुल सही है। कहें सुरेखा, सुरेखा ने तुम्हें बताया क्या उसके दिल में तुम हो कि नहीं? सुरेखा के दिल में कोई और है क्या? कोई और है क्या? आदि बताओ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिवा उसके दिल में कोई और नहीं। कोई और उसके पीछे पड़ा है क्या? नहीं आदि, कहने को दिल किया तो इसलिए कह दिया। मेरा मतलब है, ऐसी बातों में सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। मैं नहीं बदलूंगा। अगर सुरेखा मेरे अलावा किसी और को चाहने लगी है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरे लिए तुम हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बताओ आदि, तुम सडन आ गए इसलिए मैं अंदर से ऐसा फील करने लगी। नहीं आदि, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। क्यों, दिल में छुरा घोंप कर मजाक कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? नहीं आदि प्लीज, मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर तूने सच्चाई नहीं बताई तो ऊपर से नीचे तक, समझ गई ना? आदि प्लीज, आदि, मैं बिना लगाम का घोड़ा हो गया। आगे बढ़ने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे इस तरह से बात करने की हिम्मत आ गई तुझ में? सॉरी। बोल। आदि। टीना, तुम तो आदि रुको, तुम इसे क्यों मार रहे हो? जानते हो इसने क्या कहा? मैं तुम्हारे दिल में हूँ या नहीं पहले पता लगा।
ऐसी लड़की को मैं मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा? तेरा शक मैं अभी दूर करता हूँ, बताओ तुम मुझे चाहती हो या नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो आदि? तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है बताओ? और कौन है आदि? इसने कुछ भी कह दिया और तुमने मान लिया? मैं जानता हूँ सुरेखा, मुझे तुम पर विश्वास है, मेरा दिल मुझे धोखा नहीं देगा। मेरा दिल कहता है सुरेखा मुझसे ही प्यार करती है, और अब दिल के साथ ही मेरी जिंदगी में भी आ जाओ। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। आदि मुझे मारेगा? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? Are you okay? I am okay. सर जान गया इसलिए अपना गुस्सा थूक दिया। लो मिठाई खाओ। नहीं। अरे अब हम दोस्त बन गए, खाओ खाओ ना। उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, अगर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगी तो पुलिस को उसे अंदर ही डालना होगा। एक ही दिन में उसे इस काम के लिए फिर से जेल में भेज दूं? टीना इस वक्त कितने शौक में है ये बात मैं जानती हूँ, गलती मेरी है, मैं उसे समझ नहीं पाई। एक मिनट के अंदर वो टीना के साथ अपनी फ्रेंडशिप भूल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। सुरेखा डोंट वरी, अपने आप को संभालो, बात को भूल जाओ। तुमने सही कहा था प्रसाद, अब मुझे पता चल गया आदि मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। तुमने सही कहा था, शंकर वैसा ही है, वो कुछ भी कर सकता है। इसे क्रिमिनल। देखो बेटी तुम बिल्कुल डरो मत बेटा, वो इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना। सुरेखा कहाँ जा रही हो? प्रसाद प्रसाद से मिलने। प्रसाद क्यों मिलना है उससे? प्रसाद तुम्हारा केस रीओपन करने की सोच रहा है, इसलिए थैंक्स कहने जा रही थी। सुरेखा तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो मैं जानता हूं, लेकिन दोबारा उससे कभी मत मिलना, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, उसकी तो प्लीज उसे कुछ मत करना। दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए मैं ऐसा नहीं चाहती। जज से बात करने के बाद मुझे फोन करो, बोलना कि केस रीओपन करना है। ठीक है, बाय बाय। प्रसाद मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुमसे कुछ बात करनी बस। बोलो। मेरे बारे में दुनिया क्या सोचती मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ सेट करने के लिए मुझे फिल्म डायरेक्शन का मौका मिला है, जिंदगी जीने के लिए एक अच्छा मौका मिला है, क्यों मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहे हो? भगवान के लिए जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम अब भी नहीं बदले, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? कानून की नजर में तुम गुनहगार हो। मैं जानता हूँ तुम मेरे रास्ते में दीवार बन रहे हो सुरेखा को पाने के लिए। जी हाँ, मैं उसे चाहता हूँ बहुत ज्यादा। सुरेखा बहुत खूबसूरत है, बहुत लोग उसे चाहते हैं, इसका मतलब हर कोई उसे अपना बना लेगा क्या? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही इस दुनिया में आई है। भले हमारी शादी रीति रिवाज से ना हुई हो, लेकिन फिर भी वो मेरी बीवी है। दूसरे की बीवी पर नजर डालना गलत बात है, ये तुम्हें पता है ना? अगर सच में तुम उस पर अपनी जान छिड़कते हो तो तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस केस में जेल चले गए तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? जरा सोचो, अगर तुम सच में उसका भला चाहते हो तो तुम्हें यह कहना चाहिए कि प्लीज प्रसाद तुम इस केस की फाइल को बंद कर दो और सुरेखा से शादी कर लो, क्योंकि उसकी जिंदगी मुझसे ही सिक्योर होने वाली है। तो
अंधा क्या? वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ऑटोग्राफ प्लीज। आपको वो पसंद नहीं है फिर भी इतना ख्याल क्यों रखती हो मैडम? आदि के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसका साथ क्यों दे रही हैं? ऐसा क्यों कर रही हैं मैम? थैंक यू सर। सर इट इज डिफरेंट कंपोजर। थैंक यू। मेरे करियर का बेस्ट शॉट है ये। थैंक यू वेरी मच। सर नेक्स्ट क्या है? इस गाने की पहली दो लाइनें मैं शूट करूंगा। ओके सर। वन मिनट, इसके बाद लोकेशन चेंज करने के बारे में सोचेंगे। ओके सर। ओके ओके। ए, तू डायरेक्टर बन गया है तो पूरी फिल्म तू ही एंजॉय करेगा। तेरी पुरानी फाइल खुल चुकी है, चल अब मेरे साथ चल। चल चलूंगा, लेकिन पहले इज्जत से बात करना सीख लो। क्रिमिनल को भी इज्जत की फिक्र है क्या? क्या रे इस तरह से घूर क्यों रहा है? कैसा लगा? फिर से घूर रहा है? हाँ मर्डर करेगा मेरा? अबे चल। अब मैं तुझे बताऊंगा कि लॉ एंड ऑर्डर्स क्या होते हैं। पहले तूने हमारे साथ खेला, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, इसके बाद टाइटल, सिनेमा, पूरी फिल्म दिखाऊंगा तुझे, समझा? तुझे बहुत मजा आएगा विदाउट इंटरवल। अपनी फिल्म का नाम क्या है पता है? लाठी मेरी और बॉडी तेरी। तो एक पक्का लॉयर है, कोई शक नहीं। लेकिन एक बार सेल्फ डिफेंस में एलकेजी पॉइंट के बारे में मैंने बचपन में लाइब्रेरी में पढ़ते हुए सीखा था। केस री ओपन करना तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हारा मुंह कैसे बंद करना है ये मुझे आता है। तुमने मुझे बहुत ही गलत समझा है आदि। तुम्हारे खिलाफ केस रीओपन करना, कोर्ट में भाग दौड़ करना, इसके लिए मैं भला अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? अब जिस रास्ते से हम तुम्हें ले जा रहे हैं, तुम्हारा एनकाउंटर क्यों ना कर दें? लगता है तुम समझ गए। ए चल। सर सीआई भूपति और दो कांस्टेबल को मारकर आदि भाग गया सर। वेरी गुड। माँ क्या रे
तुम शादी 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 करके मेरा दिमाग खा रही थी। हाँ। अब मैं सुरेखा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ सच में। सुबह करो शाम करो या अभी, जब तुम्हारी मर्जी हो शादी कर दो। ये तो बहुत खुशी की बात है। स्वीट मदर। भैया भैया कहाँ हो तुम? पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है, उन्हें फोन करो। हेलो पंडित जी, प्रसाद की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देखिए। आज से 3 दिन के बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है। आदि, मैंने समझाया था ना, मौत से मत खेलना। अच्छा हुआ ये शीशा मेरे सर पर गिरा और चकनाचूर हो गया, अगर सीने पर गिरता तो अंदर का सब कुछ बाहर आ जाता। आप बैठो सुरेखा, तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है ना कि हम लोग जिंदा है। ये देखो बुलेट प्रूफ जैकेट। हमें पहले से ही पता था कि वो हमारे साथ ऐसा ही कुछ करने वाला है, इसीलिए हमने जैकेट पहन लिया। मैंने पहले ही कहा था हम उसे बेइज्जत करके अरेस्ट करेंगे तो वो पक्का रिएक्ट करेगा, यही सोचकर मैंने ये प्लान बनाया था। जब उसने हम लोगों पे गोली चलाई तब हम लोग ड्यूटी पे थे। इस बार वो अरेस्ट हुआ तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, ये मेरा वादा है। भाई जब आप जेल के अंदर थे तब हमने इस फिल्म के बारे में सोचा था, लेकिन हम लोगों ने आपको फिल्म में इसलिए नहीं लिया था कि आप किसी का मर्डर कर देंगे, और तो और वो भी एक पुलिस वाले का। जो हुआ सो हुआ, अब सोचो तुम्हारी लाइफ का क्या होगा। अब इस शहर में तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, यू डोंट वरी। लेकिन तुम्हें जब तक हालात नहीं सुधरते संभल कर रहना पड़ेगा। क्यों, गड्ढे निकालने में दिल को बहुत तकलीफ हो रही है? ये पैसा तुमने मेरी वजह से ही कमाया ना, ये उस बात का बदला है जो तुम लोगों ने उस दिन मेरे साथ की थी, याद है? परेशानी है तो बोलो। नो 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 नो, ये तो आपकी मेहनत का फल है आदि जी। मैं कैमरामैन नेपोलियन बोल रहा हूँ, पहचान गया ना? सर मैं डायरेक्टर नरेंद्र के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आदि इस ऑफिस में आ गया है, आप उसे अरेस्ट करने के लिए आ सकते हैं सर। सबसे पहले तुम्हें खुद को कानून के हाथों से बचाना होगा। मेरी तो ये राय है कि तुम कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर चले जाओ। ये पैसे के साथ पूरी तरह से रेडी है भाई। खैर जो होना था वो हो गया। ये सुरेखा से लव करता है ना, क्या वो भी इसके साथ जाने को तैयार होगी? पक्का तो नहीं पता, पर वो इन्हें चाहती बहुत है, जेल में इनसे मिलने भी आई थी वो। अगर वो जाने को तैयार है तो मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगा, शनिवार की रात को तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। मेरे लिए वो 3 दिन बहुत है। सुरेखा। हेलो। फोन सुरेखा को दो। नहीं दूंगा। फोन सुरेखा को दो। नहीं दूंगा। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। एक बात अच्छे से समझ लो, तुम मौत से खेल रहे हो, मैं तो जिंदा लाश बनकर चिता पर लेटा हुआ हूं, लेकिन मुझसे पहले मैं तेरी चिता जलाऊंगा। अगर तुम इस तरह से बात करोगे तो तुम्हारी इस बात को रिकॉर्ड करके अंदर करवा सकता हूं। hey, मैं फिल्म का डायरेक्टर, जानता हूं तुझ जैसे कैरेक्टर को कैसे क्रिएट करना और कैसे क्लोज करना। नमस्कार माँ जी, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा।
आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सुरेखा से मैं बचपन से ही प्यार करता हूँ, अभी से ही नहीं बचपन से ही। मेरी शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं जानता हूँ आपको दुख होगा, लेकिन आपका लड़का सुरेखा के पीछे पड़ा है। उनकी शादी नहीं हुई तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर कोई आपके लड़के को मार दे तब क्या होगा? आपके दिल को और ज्यादा तकलीफ होगी, शायद आप जी भी नहीं पाएंगी। आपके लड़के के लिए ही आपकी सांसें चल रही हैं। वो मुझे सजा दिलाकर मुझे बर्बाद करना चाहता है। क्या आप जीते जी सजा भुगतना चाहती हैं? इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, उसे समझा दो कि मेरे रास्ते से हट जाए। मुझे विश्वास है आप समझाएंगी। औलाद के लिए हर माँ बाप दुआ मांगते हैं, लेकिन बच्चे कभी उनके लिए श्राप बन जाते हैं। तो फिर सुरेखा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। आप समझ गई ना? उस प्रोड्यूसर के बारे में सुना होगा, मैंने उस जगन्नाथ पर 36 वार किए थे। उस बेचारे को पता भी नहीं था कि मैं सुरेखा से प्यार करता हूँ, लेकिन आपके बेटे को पता है, फिर भी वो बेवकूफी कर रहा है। काट डालूंगा, उसके जिस्म के 36 टुकड़े करूंगा। समझाओ उसे, प्रसाद को समझाओ। अगर फिर भी वो नहीं समझा तो उसे अपनी करनी की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर मेरी जुबान से कुछ गलत निकला हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। आंटी, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? सुरेखा बेटी, हम पर एक एहसान करोगी? बताइए ना आंटी। तुम हमेशा के लिए हमें भूल जाओ, आज से हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे बेटे को हमेशा के लिए भूल जाओ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं अपनी बात किससे कहूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे बेटे प्रसाद को तुम्हारे साथ घूमने से खतरा है। मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम्हारे साथ रहने वाले को वो जान से मार देगा, ऐसी धमकी देकर गया है। तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपने बेटे को बलि तो नहीं दे सकती हूँ ना बेटी। जब भी तुम मेरे बेटे के साथ रहती हो या फिर उसके साथ घूमने जाती हो तो मेरी नजरें उसके आने तक दरवाजे पे लगी रहती है, उसके इंतजार में। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती हूँ। भगवान के लिए ये घर छोड़ दो, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तुम इस घर से निकल जाओ, निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। उस दिन तुमने क्या कहा था? ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं, आज से हम लोग तुम्हारा सब कुछ हैं। और अपने बेटे के साथ रिश्ता भी तो तुमने ही जोड़ा, और आज उसी बेचारी को तुमने घर से निकाल दिया। ये सब क्या है बहन? जवाब दो माँ, मल्ली मामा के बातों का जवाब दो। कोई मुझे मारने वाला है क्या? माँ, तुम एक लॉयर की माँ हो, अगर तुम्हें इस तरह से डरने लगी तो मैं कोर्ट से नहीं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगा, इसलिए माँ डरो मत। गुनिया हुआ है या याशी का बुखार चढ़ा है? बता। अरे बता ना। मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? मैंने कोई गलती नहीं की मैडम। तुमने अब तक जितने भी अपराध किए उसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद है। सुनिए बहन। क्या हुआ? मेरी पैंट कैसे फटी ये बात वो नहीं जानते, जरा बता दीजिए। हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? चल कबूल कर, कबूल कर।
मैडम डंडा बरसाने से पहले उन्होंने शूट क्या किया था ये तो। मैडम हमने बहुत होशियारी से पूरा वीडियो बनाया है। मैं और मेरी लेडी कांस्टेबल मिलकर एक साइकोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं। बेवकूफों की तरह बातें मत करो तुम। हां तुम्हें अकल नहीं है क्या? इसे टेस्ट करने के लिए मैं इसके साथ वल्गर बिहेव करूं? पहले इसके हाथ खोलो फिर ये बताएगा। मैडम ये बताएगा नहीं, ये शरीफ है, इसने किसी का रेप नहीं किया। नहीं किया? आपको कैसे पता? तुमने जो सीडी बनाई यही है ना? हाँ यही है ना। पहले जाके सीडी देखो। ए टीवी कहाँ है? यही है मैम। चलो सीडी लगाओ। दीजिए मुझे। आगे देखते हैं। तुम्हें किसने पुलिस में रखा मैडम? मैं जानती हूँ। तुमने देखा ना, इसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। मेरे पीठ पीछे तुम लोग मेरी गलत फिल्म बना रहे थे। तू है तुम लोगों पर। It's all right. Cool down, cool down. दर्द होता है। अब क्या कहना है? मुझे तो लगता है तुम्हारी सोच ही गंदी है, इसीलिए कैमरा लेके ये सब शूट कर रहे थे तुम। यस मैडम, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी आंखें गलत देख सकती है बट कैमरा कभी गलत नहीं दिखाता। तुम्हारा शूट किया हुआ हर सीन देखने के बाद पता चलता है कि आदमी बिल्कुल शरीफ है। ओ माय गॉड मिस्टर अली, आई एम वेरी सॉरी। डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आपसे तो है ना? क्या कहा? मेरा मतलब आप जैसे अच्छे इंसान के साथ अगर दोस्ती बनी रहे तो बढ़िया है। घर का सारा काम करूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। श्योर? मेरा मतलब झाड़ू पोछा करके अपना पेट पाल लूंगा। लॉबी में सिक्योरिटी रहेगी, अंदर आने से तो जाने तक तुम्हारे साथ रहेंगे, ये ठीक है ना? तुम क्या सोच रहे हो? वो मुझे इस बार धोखा नहीं दे सकता। प्रसाद क्या चल रहा है ये सब? आओ सुरेखा, तुम्हारी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्लान कर रहे हैं। देखो सुरेखा, ये मेन स्टेज है। मैं शो नहीं करूंगी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हम सब लोग हैं ना। तुम सबके सामने मेरी नुमाइश करना चाहते हो? इसमें नुमाइश करने वाली कौन सी बात है? देखो सुरेखा, हमने पूरी तैयारी कर ली है, इस तारीख को हमें प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। हाँ सुरेखा। संभाल कर जाना, जाए ना ड्रॉप करना, वहां भी सिक्योरिटी अरेंज कर देना। ओके मूव। ए देखो यहां पर कोई बंधा पड़ा हुआ है। सर यहां पर एक आदमी उसके हाथ पर बंधे हुए हैं। ओह माय गॉड, ये तो सुरेखा का ड्राइवर है। तो फिर उस कार को ड्राइव कौन कर रहा है? ओह माय गॉड, जल्दी चलो। ऐन वक्त पे ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। उसे किसी भी तरह गिरफ्तार करके हमें कोर्ट में हाजिर करना था। हे, कार कहाँ ले जा रहे हो? हेलो
मोना भाई, मैं आदि बोल रहा हूँ। मैडम तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ सुरेखा मेरे साथ ही है। ठीक है, उसे साथ में लेकर यहाँ आ जाओ। ठीक है। सुरेखा कुछ देर और इंतजार कर, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। ओ सुरेखा, यही मेरा सपना था जो आज पूरा हो गया। आज हमारी जिंदगी की शुरुआत है। क्या हुआ? सुरेखा क्या हुआ? पानी, एक मिनट। पानी। सुरेखा, हेलो हेलो सुरेखा। आदि, अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारा मकसद क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। हम दूर चले जाएंगे जहाँ कोई ना आए इतनी दूर। मुझसे बात करो सुरेखा। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त हम कहाँ हैं? जहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ। आदि, वो लाइट कैसी? कहीं पुलिस वाले तो नहीं आ गए? ये कन्नीपेट का सिक्योरिटी लाइट हाउस है। कन्नीपेट का सिक्योरिटी लाइट हाउस? मतलब हम सिटी से बहुत दूर आ गए हैं ना? बहुत दूर। अच्छा, लेकिन हम सुरेखा, 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 कहाँ हो तुम? शिट, गॉड, सुरेखा, सुरेखा, ये क्या कर रही है तुम? तुम्हें पता है ना कि हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं? मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। लेकिन क्यों सुरेखा, बता क्यों नहीं आना चाहती मेरे साथ? क्योंकि मैं नो क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। प्यार नहीं करती हो? ओह गॉड, सुरेखा तुमने जो कहा वो सच है क्या? बताओ। सच है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सफेद झूठ, एकदम झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें एक फ्रेंड की नजर से देखा है। क्या कह रही हो? हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं और कुछ नहीं है। यही सच है, मुझे तुमसे डर लगता है। मुझसे डर लग रहा है? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? हाँ आदि, जब भी तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हें देखकर डर से मेरी रूह कांप उठती है। यही सच है आदि। मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त के नजरिए से देखा है, हाथ से नहीं बल्कि बचपन से, हमेशा से। मतलब मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा था क्या? ओके सुरेखा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही बेवकूफ था, मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि तुमसे बिछुड़ने के बाद मैं जी नहीं पा रहा था। बावला हो गया था मैं, अब भी जी नहीं पाऊंगा सुरेखा। मैं दुनिया को अलविदा कह रहा हूं, इस जीने से कोई फायदा नहीं। मैं मौत को गले लगा रहा हूं। आदि, 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 ये तुमने क्या किया? आदि, ये तुमने क्या किया? आदि, 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 उठो। यही है मेरा प्यार जो मैं तुमसे बचपन से करता आ रहा हूं।
ये भी आ गया। अब केल कुछ और ही ढूंढ लाएगा। इसे यहीं छोड़ दिया तो मैं मैंने और सुरेखा ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। मुझे तुम लोग नहीं, सिर्फ सुरेखा ही चाहिए। उसे रोक लो मम्मी। सर, सब जगह तलाश कर लिया, वो हमें कहीं नहीं मिला। सर, हर जगह हम लोगों ने उसे अच्छे से ढूंढा है सर, आदि हमें कहीं भी नहीं मिला सर। उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये जगह बहुत अच्छी है ना? अपने हनीमून में हम यहीं आने का प्लान करेंगे। प्रसाद, ये गाना तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, कोई ऐसे ही गा रहा होगा। चलो चलते हैं। कम ऑन, चलो ना। Don't make it, 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 don't make